वेलकम टू न्यू अमन वाइटी ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम दिखाने वाले आज हमारे साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले तुम लोगों को मेरे फ्रेंड्स की साइकिल अपने अपनी साइकिल सब फ्रेंड्स लोग की साइकिल से इंफॉर्मेशन देने वाले तो अभी देखते हैं सब फ्रेंड्स लोग मेरे साथ में आए तो उनकी साइकिल का भी इंफॉर्मेशन देंगे और तुमको दिखाते हैं इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए कैसा है क्या है हमारे पहले कैमरा मैन की साइकिल है वो इंफॉर्मेशन देंगे हमारे को आ जाओ भाई साइड वन तो गाइस मेरी जो नॉन गियर मतलब बिना गियर की साइकिल है मतलब मैंने जो कुछ ज़्यादा मॉडिफाई किए हूँ एक साल होने को है ये फिलहाल ये 8000 के साइकिल और मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि इसकी ग्रिप जो है ना यहाँ पर से यहाँ पर जो हाथ को लगती विल्ली उठाने को वगैरह इसलिए मेरा हाथ भी मतलब छिलका निकले हाथ का इसलिए मैंने लाल टेप लगा दिया और सिंपल मेरी बेल है और क्या मतलब है? क्या बोलूँ क्या इसमें एडजस्टेबल मतलब वो ऐसा खोलने के बाद आप जो सीट नीचे ऐसा कर सकते हो वो वाली सिस्टम है वापस से इसमें पावर ब्रेक है डिस्क ब्रेक नहीं है तो मैंने डिस्क ब्रेक नहीं लिया बिकॉज वो जो है बारिश में ठीक तरह से काम नहीं करते मतलब उसकी डिस्क जो है डिस्क को अगर पानी ज़्यादा लग रहा है कीचड़ का वगैरह तो ख़राब भी हो सकते हैं उसके अंदर का रबड़ और इधर बॉटल होल्डर का भी है लेकिन मैंने बॉटल होल्डर नहीं लगाया सो गाइस अभी जो है हमारे मेन यूट्यूबर मतलब अमन वाईटी जी अभी अपनी साइकिल दिखाने वाले हैं इसलिए तो दिखा हेलो गाइस अब बता रहा था मेरे फ्रेंड लोगों ने दिखाया अपनी साइकिल अभी मेरे अभी मेरी बारी है तो मैं अभी बताता हूँ साइकिल के बारे में मेरे साइकिल में कुछ इतना अच्छा दे रहा है तो अभी देखते हैं मेरे साइकिल में मैंने भी वही साइकिल मारा है यहाँ पर टेप है तो टेप लगाया हूँ क्योंकि ज़्यादा बिजली मारने के टाइम पे अगर कम हाथ को फल आते हैं साइकिल ज़्यादा चलाने से मैं ज़्यादा सफ़र करता हूँ उसकी वजह से मेरे को हाथ के लिए फोर भीड़ आते हैं इसकी वजह से मैं यहाँ पर ये कर सेलेटिव लगाया हूँ और मैंने साइकिल कम से कम मैं 2000 में लिया हूँ सेकेंड हैंड है लेकिन मैं अच्छी से चलाता हूँ वगैरह तो मेरे बारे में इतना बोलने की ज़रूरत नहीं मेरे को ये समझ तुम मेरे पहले ब्लॉक में भी देख पाए होंगे मेरे साइकिल के बारे में बताया हूँ तो अभी तुम यहाँ से मैं दूसरे फ्रेंड्स की जो दिखाने वाला था वो देख सकते हो तुम बॉम्बे से ली है तो उसकी सीट जो है यहाँ ऊपर मतलब ऊपर लेकिन मेरी वो पाने से करनी पड़ती है और गियर और पावर ब्रेक है डिस्क ब्रेक नहीं है और मडगार्ड है वो इसके ऊपर डिस्क ब्रेक भी लगा और इसके ऊपर डिस्क ब्रेक भी लगा सकते हैं ऐसा कुछ ना क्या मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं नहीं लगाता शॉक ऑप्शन है तो ऑफ रोडिंग के लिए और आगे के भी गियर ये है और इधर जो हॉर्न था हॉर्न तो उससे आप मतलब ये भी चेंज कर सकते थे लेकिन अब ना रहे और ये देखो ये पीछे के गियर का गियर है जो चलते हैं लेकिन 2 और 1 ब्लॉक्ड है क्योंकि उससे चेन उतरती है 3 से पूरे चालू है और आगे के तो पूरे ही चालू है आगे के बंद नहीं है और क्या बताऊँ आपको बारे में शॉक अप सर थोड़े वीक है और पीछे के तो एकदम अच्छे बुलते हैं ये और मेरे टायर जो है ना वो मोटे हैं एकदम मोटे हैं और आगे के जो मडगार्ड वो भी थोड़े ढीले हैं असद जो है हमारे कैमरामैन उसके जितने बोल कैमरामैन उसके जितने हैं 2-1 गो तो अभी चलते हैं नेक्स्ट साइकिल की तरफ तो गाइस ये है मेरी साइकिल ये मैंने 1 महीने पहले लिए 1 तारीख को ये है इसको नॉट गियर है मणिगार है शॉक ऑफ सारी चलते हो और ये मॉडिफिकेशन आई है तो एक ही बार की है ये एक बॉटल होल्डर है और एक ये एक बार इसका टायर ब्लास्ट भी हुआ था ये पीछे का मैंने ज़्यादा हवा भरी थी इसलिए और आइए टायर अंदर का और इसको डिस्क ब्रेक से जो एकदम बेकार है डिस्क ब्रेक से और एडजस्टेबल सीट है साथ में मडगार्ड एकदम टाइट कर लिया भैया इससे तो और भाई दोनों पीछे का टायर को भी डिस्क ब्रेक है बोल और बोल पावर ब्रेक का भी ऑप्शन दिया हुआ है पावर ब्रेक का भी ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला पावर ब्रेक का ऑप्शन एक चीज तो बताना भूल गया तो इसकी ये फोल्डेबल है ये टायर है इसका हैंडल से निकल के टायर इसके अंदर गाड़ी के अंदर ट्रैवलिंग करते काम आता है
और अभी मैं एक साइकिल के अंदर थे तो मैंने इसे गोल्डन पेंट किया और इसका आगे का मटका खोल ही निकला और जो मैं बोलता हूँ ना ए सीट ऊपर तो इसका इधर का था जो इस साइकिल को है लेकिन ये जो है इसका घूम हो गया मतलब किधर तो गिर ही गया और अभी इसकी सीट ऊपर नहीं होती नहीं नीचे होती है तो ये थोड़ी बहुत बैलेंस जैसी दिख रही है अगर इसे ब्रेक नहीं रहते तो बैलेंस दिखी रहती पूरी को अरे इसे नॉर्मल ब्रेक है जिसे आप टाइट भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं इसलिए आपको ये ढीला करना पड़ेगा अगर लूज करना है तो टाइट करना चाहिए तो ऐसा टाइट करना पड़ेगा को हेलो गाइस मैं बता रहा था तुमको सबके साइकिल के इंफॉर्मेशन दिया तो अभी ये वगैरह हो गया सब परमिशन दिए सब लोगों ने आज इतना ही ब्लॉक में था जो देखते हैं ब्लॉक में इतना ही था तो अभी हम घर से यहाँ पर ब्लॉक को एंड ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते ज़्यादा छोटा नहीं करना चाहते लेकिन हमारे जो भी तुमको जो भी चाहे बात करनी है कुछ किसको बताना है कुछ तो इंस्टाग्राम की आई डी है @amanyt8 पर आकर सचेतन देना यानी सब बताना तो हम तुमको वैसी तरह के वीडियो आने की कोशिश करेंगे वैसी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और तुम लोग अच्छा तुम लोग अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम सपोर्ट के बाद और सपोर्ट के बाद हम बहुत सारे कुछ मेहनत करेंगे तो तुम्हारे को सिखाएंगे ला के तो अभी देखते हैं यहाँ पर ब्लॉग को एंड करता हूँ खुदा हाफिज़ मिलते हैं अगली वीडियो में वापस।